हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे पांचवा चैप्टर, हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो पढ़ रहे थे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग इसका जो नियम था, कौन कौन नियम दिया था, वो नियम हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद इसमें इसका मेंडल का जो था, जो नियम दिए थे या जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसमें कुछ एक्सेप्शन पाया गया, अपवाद पाया गया, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब एक्सेप्शन टू मेंडल, एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेप्शन टू मेंडल लॉ मतलब जो मेंडल जी ने क्या किए थे, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ एक्सेप्शन आ गया था, वही एक्सेप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग एक्सेप्शन टू मेंडल लॉ। हेडिंग लगाइए एक्सेप्शन टू मेंडल लॉ। जो मेंडल जी के नियम था, कानून था, नियम था, उस नियम का क्या एक्सेप्शन पाया गया, मेंडल नियम के अपवाद, मेंडल नियम के अपवाद, कुछ अपवाद है, इस अपवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए तीन अपवाद है, तीनों अपवाद के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। पहला तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है को डोमिनेंस, और तीसरा जो है मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील है। ये तीनों नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इसको बोलते हैं सप्रभाविता, सप्रभाविता, और इसको बोलते हैं बहुविकल्पता, बहुविकल्पता, बहुविकल्पता। तो यही तीन तरह का जो है हम लोग पढ़ेंगे, तीन तरह के जो एक्सेप्शन है, तीनों तरह के एक्सेप्शन को हम लोग पढ़ेंगे। विकल्पता है, विकल्पता, तीनों तरह के एक्सेप्शन को हम लोग पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है को डोमिनेंस, और तीसरा है मल्टीपल एलील। तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग पहले पढ़ लेंगे। देखिए इसमें हम लोग समझते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये हुआ कि मेंडल जी ने बताए थे कि जो पैरेंट है, दो पैरेंट होगा, जो पैरेंट होगा उन्हीं दोनों पैरेंट में से जो F1 पीढ़ी होगा, उन्हीं दोनों पैरेंट में से कोई एक गुण होगा। मतलब यहाँ पर समझिए, अगर टॉल है और दूसरा हम क्रॉस करा रहे हैं ड्वार्फ का, एक टॉल है और दूसरा ड्वार्फ है, तो इसको हम लोग क्रॉस कराए थे, तो क्रॉस कराने के बाद क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये भी क्या था, टॉल था नहीं, तो ये भी टॉल था। तो क्या कह रहे थे, देखिए मेंडल ने क्या बोले थे कि मतलब ये पैरेंट हुआ, पैरेंट जो है, दो पैरेंट हुआ ना, दोनों पैरेंट में से जो F1 पीढ़ी होगा, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में यही दोनों पैरेंट में से कोई एक गुण आएगा, चाहे वो टॉल हो चाहे वो ड्वार्फ हो, मेंडल जी ने ये कहा था। लेकिन इसमें होता क्या है, चूँकि एक्सेप्शन है, इसमें होता क्या है, ये दोनों गुण छोड़ करके कोई तीसरा गुण हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाएगा। समझ में आया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं और एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हम लोग समझ लेते हैं।
तो क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या किसे कहेंगे, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो गया कि जो मेंडल जी ने बताए थे कि F1 मतलब पेरेंट जो होगा उसी पेरेंट में से कोई ना कोई एक गुण आएगा F1 जनरेशन में, वो F1 जनरेशन में नहीं आ करके कोई और तीसरा कैरेक्टर आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं, लिखिए फॉर ऑल, सात कैरेक्टर लिए थे, फॉर ऑल सेवन कैरेक्टर ऑफ, सेवन पेयर कैरेक्टर लिखिए, सेवन पेयर ऑफ कैरेक्टर, सेवन पेयर ऑफ कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल सोज वन टाइप्स ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर इन F1 जेनरेशन। तो देखिए क्या हुआ कि ये क्या है, फॉर ऑल सेवन पेयर ऑफ कैरेक्टर सेलेक्टेड, सात जोड़ा पेयर, सभी में क्या किया, सात पेयर कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, कौन, मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किया गया, जिसमें शो करता है क्या, वन टाइप ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन, जो भी पैरेंटल कैरेक्टर है वही शो करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या किया, उल्टा किया, वो नहीं शो करके कोई और तीसरा कैरेक्टर आ गया, तो उसी को बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। आगे लिख लेते हैं इसी में, बट लेकिन क्या हुआ, देयर आर सम कैरेक्टर, देयर आर सम कैरेक्टर, देयर आर सम कैरेक्टर व्हिच शोज इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन, इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन टू पेरेंट्स ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ डोमिनेंट एलील इन हेटरोजाइगस कंडीशन। देखिए क्या लिखे, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जो मेंडल जी ने सात पेयर कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, उन्हीं सातों पेयर में से एक पैरेंटल कैरेक्टर क्या होगा, शो करेगा किस में, F1 जनरेशन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन देयर आर सम कैरेक्टर, कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो शो कर गया इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन कहाँ, टू पैरेंट ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंट एलील हेटरोजाइगस कंडीशन। मतलब हुआ कि जो कैरेक्टर मेंडल जी ने कहे थे, दो सात पेयर था, या फिर ऐसे दो ही में हम लोग समझते हैं कि एक लंबा है और एक छोटा है, तो इन्हीं दोनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर आना चाहिए किस में, F1 जनरेशन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या आ गया, कोई तीसरा कैरेक्टर आ गया, उसी को बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो इसको हम लोग, ये तो हो गया एग्जाम्पल, यहाँ समझ लीजिए एग्जाम्पल, मिराब्लिज जालपा है, फ्लावर है, 4 o'clock हम लोग उसको बोलते हैं मिराब्लिज जालपा,
जालपा, मिराबलेस जालपा, इसी को फोर ओ क्लॉक भी बोलते हैं, फोर ओ क्लॉक, फोर ओ क्लॉक। और एक दूसरा है एंटीर हिनम, एंटीर हिनम, एंटीर हिनम मैटस, एंटीर हिनम मैटस, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर कहते हैं, डॉग फ्लावर, स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर कहते हैं। तो दो एग्जांपल लिख दिए, मिराबलिस जालपा या फोर ओ क्लॉक है, एनिटिर एंटीर हिनम मैटस या स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर है, इसका एग्जांपल है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या कहा, तो जो कैरेक्टर इसमें पैरेंट में आना चाहिए, मतलब पैरेंट है, और जो कैरेक्टर पैरेंट का आना चाहिए वो कैरेक्टर यहाँ नहीं आ करके कोई तीसरा कैरेक्टर आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, मिराबलिस जालपा, मिराबलिस जालपा फोर ओ क्लॉक है, एंटीर हिनम या मैटस स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर के नाम से जानते हैं, एग्जांपल याद रखिएगा। अब इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये तो थ्योरी लिखे हैं, अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है। तो चलिए आगे हम लोग लिखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट, हम लोग समझते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। तो ये तो बात समझ में आ गया कि वैसा कैरेक्टर आना चाहिए मेंडल के नियम के अनुसार जो क्या है, जो मेंडल ने पेरेंट लिया था उन्हीं पेरेंट में से एक कैरेक्टर आना चाहिए F1 जनरेशन में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए मिराबलिस जालपा से हम लोग पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट। तो करेक्ट कौन फ्लावर लिया, मिराबलिस जालपा ये फ्लावर है, फ्लावर लिया मिराबलिस जालपा, फ्लावर लिए, ये कलर फ्लावर था, कलर फ्लावर, फ्लावर का कलर कैसा लिया, दो कलर लिया, एक तो लिया रेड और दूसरा लिया वाइट, एक रेड और दूसरा वाइट। देखिए यहाँ आप समझिए कैसा कलर, रेड लिया, रेड फ्लावर, एक फ्लावर क्या लिया, वाइट लिया, वाइट फ्लावर। रेड फ्लावर को हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर, और वाइट फ्लावर का स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये क्या हो गया, ये हो गया पेरेंट, पेरेंट। आप देखिए मेंडल के नियम के अनुसार इन्हीं रेड या वाइट होना चाहिए F1 जनरेशन में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इसका गैमेट निकालेंगे तो R होगा, इसका गैमेट निकालेंगे तो स्मॉल R होगा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया गैमेट। अब दोनों में क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराए, क्रॉस कराने के बाद क्या आया, स्मॉल कैपिटल R और स्मॉल R आया। ये कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, रेड का, चूँकि स्मॉल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कैरेक्टर आ जाता है किसका, पिंक का, पिंक कलर आ जाता है। तो यही ना अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया कि मेंडल के नियम के अनुसार इन्हीं दोनों कोई कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई तीसरा कैरेक्टर आ गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब आ गया पिंक, अब इसको क्या करते हैं, ये हो गया F1 जनरेशन, F1 जनरेशन क्या हो गया, F1 जनरेशन। अब इसका गैमेट निकालते हैं, दो को गैमेट आएगा क्योंकि हेटेरोजाइगस है, एक कैपिटल R एक स्मॉल R आएगा। अब इसको क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे। तो सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं कैसे, यहाँ देखिए सेल्फ पोलिनेशन हम लोग कराएंगे, तो सेल्फ पोलिनेशन में चूँकि थोड़ा बड़ा बना देते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे, एक तो आ गया
कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, आया? क्योंकि सेल्फिंग करा रहे हैं अपने में, उसको क्या करा रहे हैं, सेल्फ करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें कैपिटल आर आ गया, अब इसको इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, आया? ये कलर कैसा होगा, ये कलर होगा रेड, ये कलर कैसा होगा, तो ये होगा पिंक, यहाँ पर रेड नहीं होगा, क्या होगा, पिंक होगा। ये भी कलर कैसा होगा, पिंक होगा, चूँकि F1 जनरेशन में हम लोग देखें कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, एक कैसा कैरेक्टर आ जाता है पिंक का, तो पिंक आ गया। अब देखिए आगे स्मॉल आर है, तो ये कैसा कलर होगा, ये वाइट कलर होगा। ये कौन सा जनरेशन हो गया भाई, F2 जनरेशन, तो ये F2 जनरेशन हो गया। अब देखिए, जैसे हम लोग उसमें जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो निकाले थे, ऐसे ही इसमें भी हम लोग निकाल लेते हैं। पहले फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, देखिए फेनोटाइपिक रेशियो हमको तो सिर्फ ऐसे इसको देख के पहचानना है कैसा कलर है। तो फेनोटाइपिक रेशियो में एक हम तुमको दिखाई देगा रेड, दूसरा हमको दिखाई देगा कैसा, पिंक, और तीसरा कैसा दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा, नहीं दिखाएगा, रेड दिखाई देगा, पिंक दिखाई देगा और वाइट दिखाई देगा। तो रेड कितना है, 1:2, पिंक कितना है, तो 2, एक यहाँ और एक यहाँ, 2, और वाइट कितना आ गया, 1, वाइट कितना है, 1 है। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कितना होगा, 1:2:1, जो कि हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे एक्सपेरिमेंट मेंडल का, उसमें देखे थे जीनोटाइपिक रेशियो इतना था 1:2:1, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, 1:2:1, ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसी में हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं कि क्या आता है, जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो समझ में आया, याद हो गया होगा 1:2:1। अब जीनोटाइपिक रेशियो देखिए, जीन के आधार पर एक कैसा कैसा है, एक कैपिटल आर इनटू कितना, कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरा है H2 स्मॉल आर और स्मॉल आर, तीन तरह के हैं। तो कैपिटल आर 1 है, एक के गुना है, और कैपिटल आर स्मॉल आर कितना, 2 है, तो 2, और H2 स्मॉल आर कितना है, 1 है। तो इसका भी देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका भी रेशियो क्या आया, इसका भी वही रेशियो आया जो फिनोटाइपिक रेशियो है, मतलब जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या हुआ, सेम हुआ, मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा है, इसीलिए इसका देखिए फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 है, और जीनोटाइपिक रेशियो भी कितना है, 1:2:1 है। लेकिन वहाँ पर हम लोग पढ़े थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के नियम में क्या, कि उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो था, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1:2:1। तो यही था कि मेंडल ने बोला था कि जो पेरेंट है वही कैरेक्टर है F1 जनरेशन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तीसरा कैरेक्टर आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, यही था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जल्दी से इसको छापिए, फिर आगे हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे को डोमिनेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर इस आगे पढ़ते हैं, आगे है को डोमिनेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं को डोमिनेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देख लिए एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग को समझ में आ गया कि जो कैरेक्टर आना चाहिए वो कैरेक्टर नहीं आ करके कोई तीसरा कैरेक्टर आ जा रहा है, इसीलिए इसको बोले क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोले। अब हम लोग को पढ़ना है को डोमिनेंस। देखिए को डोमिनेंस में भी क्या होता है, इसमें भी वही बात है,
कि मेंडल फिर क्या बोले थे कि वही कैरेक्टर आएगा जो पैरेंट रहेगा, पैरेंटे का कोई ना कोई कैरेक्टर आएगा, चाहे वो टॉल हो चाहे वो स्मॉल हो, ड्वार्फ हो, कोई उसी का कैरेक्टर आएगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई तीसरा कैरेक्टर आ गया था, लेकिन कोर डोमिनेंस में क्या होता है, कोर डोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर आ जाता है। पहले फिर से सुनिए, मेंडल जी ने क्या बोले थे कि पैरेंट जो होगा वो F1 जनरेशन में उन्हीं दोनों कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर आएगा। तो उसका एक्सेप्शन हम लोग पढ़े क्या कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, कोई तीसरा कैरेक्टर आ गया। लेकिन को डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों कैरेक्टर पैरेंट का जो होता है कोई एक कैरेक्टर आना चाहिए, मेंडल के अनुसार कोई एक कैरेक्टर आना चाहिए, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर नहीं आकर के क्या होता है, दोनों कैरेक्टर आ जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं को डोमिनेंस कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, को डोमिनेंस कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसका भी एक्सपेरिमेंट करके। लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ both allele side by side, दोनों allele क्या करता है side by side expression करता है in heterozygous condition। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, दोनों एलील वो क्या करेगा, साइड बाय साइड मतलब दोनों एलील वो शो करता है। अब कैसे शो करता है, तो इसका एग्जांपल समझिए, एग्जांपल इसका है इसका एग्जांपल याद रखिए, इसका एग्जांपल जो होता है एक तो कैटल का स्किन, कलर ऑफ स्किन ऑफ कैटल्स, और दूसरा है ए बी ब्लड ग्रुप। दो एग्जांपल समझे, एक तो कलर ऑफ स्किन ऑफ कैटल, इससे समझिए कि देखिएगा कोई ऐसा, इस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ, गाय में, गाय जो होते काऊ में देखने को मिलता है कि कोई कोई काऊ ऐसा होता है चितकावर होता है। मतलब क्या होना, मतलब उसमें दोनों का गुण आ रहा है, पैरेंट दो होगा, दोनों का गुण उसमें आ रहा है तब ना चितकावर हो रहा है। या तो मान लीजिए ब्लैक क्या है, सांड है, और कौ कैसा है, उजला है, व्हाइट है, तो क्या होना चाहिए, या तो उस ऑफ स्प्रिंग को या तो क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए या फिर व्हाइट होना चाहिए। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि दोनों गुण आ जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों गुण आ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, चितकावर। तो इसमें दोनों कैरेक्टर आ जाता है, कोई एक कैरेक्टर नहीं आ करके दोनों कैरेक्टर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, को डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन मेंडल के अनुसार क्या आना चाहिए, दोनों में से कोई एक कैरेक्टर आना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, दोनों के दोनों कैरेक्टर आ जाता है। इसी तरह से एक ए बी ब्लड ग्रुप है, अगर मान लीजिए पेरेंट है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा या तो मेंडल के अनुसार ए ब्लड ग्रुप होना चाहिए या बी ब्लड ग्रुप होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि किसी किसी को ए बी ब्लड ग्रुप आ जाता है। तो मतलब फादर का भी और मदर का दोनों का कैरेक्टर उसमें चला जाता है, तब ना ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। तो इसको कहते हैं को डोमिनेंस कहते हैं। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, कलर ऑफ स्किन ऑफ कैटल इसमें देखते हैं, किसमें, कलर ऑफ स्किन ऑफ कैटल्स में। तो देखिए इसमें दो तरह के लेते हैं, एक रेड और एक वाइट, जो सांड होता है उसको ले लेते हैं क्या, उसको ले लेते हैं रेड, और गाय को ले लेंगे व्हाइट। तो दोनों में करते हैं, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ये भी है या लिख ही देते हैं, यहाँ लेते हैं, एक्सपेरिमेंट किसमें कर रहे हैं, कलर ऑफ स्किन ऑफ कैटल्स इसमें कर रहे हैं,
तो एक ले रहे हैं क्या रेड और दूसरा ले रहे हैं क्या वाइट। अब यहाँ पर देखिए स्किन का कलर एक ले रहे हैं रेड, जो फादर का और मदर का क्या वाइट। अब देखिए इसका हम लोग सिंबल देते हैं, वही बात सेम टू सेम है। और यहाँ पर स्मॉल आर ये क्या हो गया पेरेंट हो गया। अब इससे क्या होगा गैमिट निकाले आर स्मॉल आर, ये हो गया क्या गैमिट हो गया। अब दोनों में क्रॉस कराए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आया, तो कैरेक्टर यहाँ पर क्या होना चाहिए या तो रेड या व्हाइट, लेकिन ये क्या होता है रोएन होता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं चितकावर, चितकावरा या चितकावर लिख देते हैं चितकावर, चितकावर हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाता है स्किन का चितकावर, मतलब थोड़ा दूर हो जाएगा कैसा व्हाइट रहेगा, थोड़ा देर फिर ब्लैक रेड रहेगा, फिर क्या होगा व्हाइट रहेगा, इस तरह से ये हो जाता है। अब इसका भी हम लोग जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक जो एफ टू जनरेशन में लिख निकाल लेते हैं। ये क्या है एफ वन जनरेशन है, एफ वन जनरेशन है। आगे इसका भी फिर गैमेट निकालते हैं, गैमेट निकालेंगे तो क्या आएगा एस कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसको फिर क्या कराएंगे सेल्फिंग कराएंगे, मतलब क्रॉस पोलिनेशन, इसको सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ पोलिनेशन जिसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन इसको सॉरी पोलिनेशन या नहीं होगा इसको सेल्फिंग कराते हैं सेल्फ। अब देखिए इसमें क्या होता है, हाँ वही हुआ पोलिनेशन सेल्फ। देखिए यहाँ पर होगा कैसे, वैसे ही जो पहले हम लोग इसको लिखे थे, एक होगा कैसा कौन कौन कैरेक्टर है गैमिट है एस कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब दोनों को यहाँ पर क्रॉस कराइए, कैपिटल आर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे कराते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और दोनों को कैपिटल आर और सॉरी स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये कैसा कलर दिखेगा स्किन का, ये तो रेड दिखेगा, ये कैसा दिखेगा ये रोएन दिखेगा चितकावर दिखेगा, ये कैसा दिखेगा ये भी रोएन दिखेगा चितकावर, और ये जो कलर दिखेगा कैसा दिखेगा वाइट दिखेगा। ये जो हो गया क्या हो गया एफ टू जनरेशन, एफ टू जनरेशन। अब इसका भी हम क्या निकाल लें फिनोटाइप निकालते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं इसका भी। तो इसका पहला तो रेड है, उसके बाद रोएन है, फिर व्हाइट है। तो देखिए इसमें कौन कौन कितना आया, रेड कितना है 1:2, रोएन चितकावर कितना दिखेगा चितकावर दिखेगा 2 और व्हाइट 1। तो इसका भी रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया 1:2:1। अब इसका भी जीनोटाइपिक रेशियो भी निकालिए, जीनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा कैपिटल आर कितना 1:2:2 तो इसका भी जीनोटाइपिक रेशियो देखिए सबका सेम आ रहा है। मतलब जो कोडोमिनेंस हम लोग पढ़ रहे हैं कोडोमिनेंस का भी फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है, जीनोटाइपिक भी 1:2:1 है। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे क्या पहले हम लोग पढ़े थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसका भी दोनों फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो रेशियो था 1:2:1 आ रहा है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इससे पहले जो हम लोग देखे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक तीसरा कैरेक्टर आ जा रहा था, लेकिन इसमें हम लोग देखे कोडोमिनेंस में कि दोनों का कैरेक्टर आ रहा है। तो एक्सेप्शन हम लोग पढ़ें, ये सब बात मेंडल जी ने नहीं बताए थे, इसीलिए इसको हम लोग एक्सेप्शन में रख के पढ़ते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, तो ये समझ में आ गया होगा जो पहले किए थे वही अभी भी किए हैं। तो इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग मल्टीपल एलील के बारे में समझते हैं। एक्सपेरिमेंट है ये, इसका जल्दी से लिखिए एग्जाम्पल। तो इसका याद रखिएगा कि कलर ऑफ स्किन ऑफ कैटल्स या ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। आगे और आएगा ए बी ओ ब्लड ग्रुप आएगा जो मल्टीपल एलील का होगा, तो दोनों में कन्फ्यूज बड़ी होता है ए बी ब्लड ग्रुप और ए बी ओ ब्लड ग्रुप, इसीलिए याद रखिएगा ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा किसका होगा, किसका एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल एलील उसका एग्जाम्पल है। तो लिख लिए होंगे, मिटाते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हेडिंग दीजिए
अब हेडिंग लगाइए मल्टीपल एलील का। मल्टीपल एलील का मतलब होता है, नाम से ही स्पष्ट है, मल्टीपल मतलब दो से ज़्यादा एलील होगा। कोई एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए दो से ज़्यादा एलील होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील कहेंगे। तो जिसमें पेरेंट्स का कोई गुण नहीं आया, एक अलग कैरेक्टर आ गया, तो उसको बोले थे क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरा में बोले कोडोमिनेंस में क्या कि उसमें दोनों का गुण आ गया तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। अब तीसरा हेडिंग लगाइए मल्टीपल एलील का, मल्टीपल एलील्स। इसमें क्या होगा, दो से ज़्यादा कैरेक्टर एलील्स होगा। कोई एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए तो उसको बोलेंगे मल्टीपल एलील्स। लिखिए, इसमें लिखते हैं ए सर्टेन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन, हैविंग मोर देन टू एलील्स नोन एज मल्टीपल एलील। तो कोई एक कैरेक्टर होगा, उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, मोर देन टू एलील्स, दो से ज़्यादा एलील होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील कहेंगे। इसका एग्जांपल याद रखिएगा ए बी ओ ब्लड ग्रुप। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे कोडोमिनेंस में, उसमें क्या था, ए बी ब्लड ग्रुप था। और इसमें क्या है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे फिर इसमें हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करेक्टर आता है, इसमें ए बी ओ ब्लड ग्रुप में अलग अलग जीन देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये दर्शा रहे हम, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक कैरेक्टर तो दिखेगा आई ए, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से। अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो उसको लिखेंगे आई ए, चूँकि जोड़ा में होता है हमेशा। या इसी को हम दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं, आई ए और आई ओ से लिख सकते हैं। तो अभी हम जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं वो कैरेक्टर यहाँ से देखिए कौन कौन कैरेक्टर, मतलब कौन कौन एलील होता है इसको दिखाने के लिए। एक तो आई ए, चूँकि ए ब्लड ग्रुप होगा तब, और दूसरा आई बी ब्लड ग्रुप, मतलब बी ब्लड ग्रुप होगा तो आई बी लिखेंगे, और तीसरा आई ओ। देखिए इसको आई जीरो भी पढ़ता है, आई ओ भी, तो हम लोग यहाँ आई ओ पढ़ेंगे, चूँकि सब में ए बी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी ओ ए पढ़ेंगे। तो इस तरह से दिखाते हैं। तो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। चूँकि इसमें हम क्या कह रहे हैं कि मल्टीपल एलील है, मतलब कोई एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए दो एलील होता है, लेकिन इसमें दो से अधिक एलील है ना, तीन एलील है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मल्टीपल एलील बोलते हैं। तो इसमें ये हम लोग इसका जीनोटाइप जो लिखते हैं ना, वही जीनोटाइप इस तरह से दर्शाते हैं, एलील एक तरह से ये हुआ। तो यहाँ तक जल्दी से लिखिए, आगे फिर हम लोग ब्लड ग्रुप करके समझते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर ये तो रहने देते हैं, यहाँ पर समझिए, मान लीजिए यहाँ देखिए, इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं, क्या क्या है, एक तो लिखे आई ए, दूसरा लिखे आई बी, और तीसरा लिखे आई ओ। अब यहाँ से समझिए, एक लेते हैं हम ब्लड ग्रुप, दूसरा लेंगे एंटीजीन, और तीसरा लेते हैं एंटीबॉडी, और एक ले लेते हैं जीनोटाइप। कैसे लिखेंगे, जीनोटाइप,
जीनोटाइप कैसे लिखेंगे वो ले लेते हैं। आप देखिए, जीनोटाइप कैसे लिखेंगे इसमें, देखिए यहाँ से समझ में आएगा, एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, हम क्या लिए, ब्लड ग्रुप ए लिए, तो एंटीजीन भी इसमें ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, दोनों हमेशा उल्टा होता है। जो एंटीजीन पाया जाएगा उसका उल्टा एंटीबॉडी होता है। तो ब्लड ग्रुप ए लिए तो एंटीजीन ए और एंटीबॉडी क्या लिए, बी, और इसका जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, चूँकि ए है ब्लड ग्रुप, तो अभी ए के बारे में हम लिखे थे, ए के आई ए से डिनोट करेंगे, तो आई ए, और बोले थे कि दोनों क्या होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए, तो आई ए आई ए लिखे, या इसी को दूसरा वर्ड में लिख सकते हैं, आई ए और आई ओ, यहाँ पर आई ओ जो होगा क्या होगा, रिसेसिव होगा, बताए दे रहा, यहाँ पर भी यहाँ तो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों दो कैरेक्टर आ गया, आई ए और आई ओ, तो यहाँ पर आई ओ जो होगा क्या होगा, रिसेसिव होगा, और आई ए जो होगा क्या होगा, डोमिनेंट होगा, इसीलिए ना ब्लड ग्रुप ए दिखेगा, समझ में आ रहा है। चलिए ये हो गया ब्लड ग्रुप ए का, अब ब्लड ग्रुप बी लिखते हैं, तो एंटीजीन जो होगा बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। अब ब्लड ग्रुप इसका जीनोटाइप लिखिए, लिख लीजिएगा आई बी और आई बी, या इसको हम ऐसे लिखेंगे तो आई बी और आई ओ लिखेंगे, यहाँ भी आई ओ क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए कहीं लिखा रहेगा आई बी और आई बी लिखा रहेगा, तो समझ जाइएगा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप कौन होगा, तो बी ब्लड ग्रुप होगा ना। अगर मान लीजिए आई बी है और आई ओ है, तो यहाँ पर कहेगा कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो नहीं समझिएगा, क्या समझिएगा, चूँकि डोमिनेंट क्या है, आई बी है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कौन है, ब्लड ग्रुप बी होगा, समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरह से यहाँ भी समझ में आ गया कि आई बी और आई बी आई ओ जो लिखेंगे ब्लड ग्रुप बी के लिए लिखेंगे। अब ब्लड ग्रुप कितना होता है, चार तरह के होता है, तो ए और बी लिखे, उसके बाद ए बी, और ए बी ब्लड ग्रुप में देखिए एंटीजीन जो होगा दोनों होगा, ए एंड बी दोनों एंटीजीन इसमें आ गया, तो एंटीबॉडी क्या होगा, एब्सेंट होगा, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। अब इसका जो जीनोटाइप लिखेंगे तो आई ए और आई बी लिखेंगे, नहीं आई ए और आई बी लिखेंगे, इसके ओ के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं, चूँकि दो आ गया। ये है ए बी ब्लड ग्रुप। और ओ ब्लड ग्रुप के लिए देखिए, ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजीन जो होगा इसमें एब्सेंट होता है एंटीजीन, और एंटीबॉडी जो होगा ए और बी दोनों होगा, और इसका जो लिखेंगे हम लोग आई ओ और आई ओ लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ओ हो गया। तो ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, ये समझ में आया, कैसे लिखेंगे, तो अगर ए और बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, बी बी है तो केवल बी ब्लड ग्रुप, अगर आई बी आई ओ है तो आई बी क्या होगा, डोमिनेंट होगा, आई ओ क्या होगा, रिसेसिव होगा, तो आई बी यहाँ पर कौन ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ पर होगा बी ब्लड ग्रुप होगा, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। चलिए इसी पर हम लोग कुछ सीखते हैं। अगर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप आई ए है और मदर का ब्लड ग्रुप क्या लिखेंगे, आई बी लिखेंगे, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा कौन सा ब्लड ग्रुप का होगा, ये सब बात हम लोग समझेंगे। तो यहाँ ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आ गया होगा ना, कि ब्लड ग्रुप ए रहेगा तो एंटीजीन ए होगा, और ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी उसमें क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए में बी एंटीबॉडी होगा, और जीनोटाइप इस तरह से लिखेंगे आई ए और आई ए आई ओ लिखेंगे। इसी तरह से ब्लड ग्रुप अगर बी रहेगा तो एंटीजीन क्या होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा, और जीनोटाइप इस तरह से ए बी ब्लड ग्रुप रहेगा तो एंटीजीन जो होगा क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसी तरह से ओ में क्या होगा, एब्सेंट होगा एंटीजीन, और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होगा, समझ में आ रहा है, और जीनोटाइप इस तरह से लिखेंगे। चलिए आगे हम इसमें फिर आगे और पढ़ते हैं, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत, चलिए आगे हम लोग लिखते हैं फिर से। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब मान लीजिए कि फादर का जो
फादर का जीनोटाइप हम बताएंगे। फादर का जीनोटाइप मान लीजिए आई ए है और मदर का जीनोटाइप जो होगा आई ओ होगा, तो उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगा और कौन नहीं होगा, मतलब कौन पॉसिबल होगा और कौन इम्पॉसिबल होगा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं एलील फ्रॉम पैरेंट ए या पैरेंट फर्स्ट लिखते हैं, पैरेंट फर्स्ट आगे लिखते हैं एलील फ्रॉम पैरेंट सेकेंड, ठीक। आगे जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग और ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। समझ में आया क्या क्या लिखे, एक गुल समझाते हैं ना, खुद समझ में आएगा। यहाँ मान लीजिए एलील है, पैरेंट फर्स्ट मान लीजिए फादर है और पैरेंट सेकेंड मान लीजिए क्या मदर है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर पैरेंट फर्स्ट में हम बोलेंगे कि पैरेंट फर्स्ट में इसका जो जीनोटाइप होगा एलील होगा, वो एलील जो होगा आई ए एलील है, क्या है आई ए एलील है। और यहाँ जो पैरेंट सेकेंड है मान लीजिए मदर है, तो इसमें भी आई ए लिखें आई ए। अब जो ऑफ स्प्रिंग होगा इसका संतान होगा, उस संतान का जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, दोनों एक साथ लिखेंगे आई ए, चूँकि दोनों का गुण जाएगा तो आई ए और आई ए दोनों होगा। अब ये बताइए ये किसका सिंबल है, कौन ब्लड ग्रुप का है, तो समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा। इससे पहले हम बोले थे कि अगर आई ए रहे या आई ए और आई ओ रहे तो ब्लड ग्रुप ए होगा, आई बी या आई बी आई ओ रहे तो ब्लड ग्रुप बी होगा, या फिर आई ए और आई बी आई ए और आई बी रहेगा तो ए भी ब्लड ग्रुप होगा, और आई ओ रहेगा तो क्या होगा ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो यहाँ क्या है आई ए और आई ए है, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए अगर पेरेंट फर्स्ट है, फादर का जो एलील है आई ए है और मदर का भी आई ए है, तो ऑफ स्प्रिंग में दोनों गुण जाएगा आई ए और आई ए दोनों, तो ये ब्लड ग्रुप कौन ब्लड ग्रुप का है, ए ब्लड ग्रुप का है। इसी तरह से मान लीजिए और एगो दो को समझा देते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए इसी में पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है आई ए है, और यहाँ पर देखिए मदर का जो ब्लड ग्रुप है आई ओ है। अब इसमें देखिए अगर ऑफ स्प्रिंग है तो इसमें दोनों गुनाएगा आई ए और आई ओ का, दोनों गुनाया मदर फादर और मदर का, ये आई ए है, इसका मतलब फादर जो होगा पेरेंट फर्स्ट होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। आई ओ है इसका मतलब पेरेंट सेकेंड है, मतलब मदर का ब्लड ग्रुप कैसा होगा आई ओ होगा, तब ना एगो एलील लिए आई ओ रहेगा तब ना एगो एलील लिए, तो दोनों एलील अब मिलेगा कहाँ जीनोटाइप में ऑफ स्प्रिंग में आई ए और आई ओ, तो डोमिनेंट कौन होगा इसमें आई ए होगा, तो ब्लड ग्रुप कौन होगा आई ए होगा, सॉरी ए ब्लड ग्रुप होगा। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझिए, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे समझिए, आप देखिए एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए कि आई ओ ब्लड ग्रुप, यहाँ आई ओ लिखते हैं ना, उसको हम लोग कहीं कहीं किसी बुक में स्मॉल आई देखिएगा, स्मॉल आई भी लिखते हैं, तो घबराइएगा नहीं, कहीं अगर देखिएगा तो घबराइएगा नहीं कि यहाँ स्मॉल आई लिखा हुआ है, समझे। अब देखिए अब बी वाला लेते हैं, आई बी लिए मतलब पेरेंट का क्या हुआ, पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी था, तब ना आई बी और आई बी लिए, तो इसका जो गैमिट बनाएंगे चूँकि होमोजाइगस है तो गैमिट आई ओ आई बी होगा, तो एगो तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप पेरेंट का फर्स्ट का क्या होगा बी ब्लड ग्रुप होगा,
तब ना एगो लिए आई बी। अब देखिए, अब पेरेंट सेकेंड का हम ब्लड ग्रुप फिर बी ए लेते हैं। बी पेरेंट का मतलब मदर का भी ब्लड ग्रुप बी ए होगा और फादर का भी क्या है, बी ही है। तो इसमें जो जीनोटाइप जाएगा कैसा जाएगा, आई बी और आई बी का जाएगा, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा होगा समझ में। अब इसी तरह से फिर देखिए, आई बी हम ले रहे हैं इसका, अब मान लीजिए इसमें हम लेते हैं आई ओ ले लिए, फादर का ब्लड ग्रुप क्या लिए, ओ आई ओ, और मदर का ब्लड ग्रुप ले लिए बी। तो आप बताइए इसमें क्या होगा। तो चूंकि हम इससे पहले बोले थे कि जहाँ कहीं भी अगर आई ओ है किसी ए या बी के साथ, तो इसका मतलब वहाँ पर आई ओ क्या होगा, रिसेसिव होगा। डोमिनेंट कौन होगा, आई ए या आई बी रहेगा, वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और आई ओ क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, आई बी और आई ओ लिखे, तो इसमें डोमिनेंट कौन है, आई बी है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा सर, तब बी ब्लड ग्रुप होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या। अब नहीं भी, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब फिर से देखिए दूसरा ले रहे हैं। अगर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप आई ए है, मदर का ब्लड ग्रुप आई बी है, फादर का ब्लड ग्रुप आई ए मतलब ए ब्लड ग्रुप होगा तब ना एक लिए आई ए, और इसका फादर का क्या है, मदर का क्या है, बी ब्लड ग्रुप होगा तब ना आई बी लिए। अब दोनों का ब्लड ग्रुप लिए, अब ये दोनों का आएगा क्या, यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग में आई ए और आई बी, और इससे पहले हम लिखे थे कि कौन सा ब्लड ग्रुप का एलील है, तो चूंकि ए और बी है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा सर। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अबरी तो समझ में आएगा ना, अबरी देखिए क्या लिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का भी ब्लड ग्रुप ओ है, तो हम सिंबल लिए एलील लिए क्या, आई ओ। अब मान लीजिए मदर का भी ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसमें भी एलील हम लिए क्या, आई ओ। अब दोनों एलील जाएगा कहाँ, ऑफ स्प्रिंग में, मतलब आई ओ और आई ओ, तो नहीं दिख रहा है, तो ये किसका सिंबल, किसका एलील है, तो ब्लड ग्रुप ओ का एलील है। तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा कैसा ब्लड ग्रुप का होगा, ब्लड ग्रुप ओ का होगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अब हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो यहाँ जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग में आई ए आई ए होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग का ए होगा। इसी तरह से यहाँ आयो, तो आयो तो हमेशा क्या होता है, रिसेसिव होता है, तो आई ए डोमिनेंट होता है, तो आई ए क्या है, ब्लड ग्रुप ए का सिंबल एलील है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप ए होगा ऑफ स्प्रिंग में। समझ में आ रहा है, तो इसी तरह से इसको हम लोग बनाते हैं, तो समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। अब इसी को हम एक और तरीका से समझाते हैं, एलील लिख करके कौन सा ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग में पॉसिबल है और कौन सा ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग में पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए मदर का या फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो जो इसका सबसे पहले इसका तो जीनोटाइप लिखना है कि कौन कौन जीनोटाइपिक है, उसके बाद कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है ऑफ स्प्रिंग में और कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है, वो हम लोग लिखते हैं। तो इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा, चलिए आगे हम लिखते हैं। जेनेटिक्स है, और ऐसे भी जेनेटिक्स सब कहता है कि बहुत हार्ड है, कुछ कुछ नहीं है, पढ़ने से सब कुछ आसान होता है, नहीं पढ़ने से क्या होगा, हार्ड होगा ही। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब मान लीजिए फादर मदर करके लेते हैं, अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए फादर लिया, यहाँ पेरेंट लिख दे रहे हैं, पेरेंट फर्स्ट, यहाँ पेरेंट फर्स्ट फादर लिए, यहाँ मदर लेते हैं, पेरेंट सेकेंड। अब जीनोटाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग लेते हैं,
जीनोटाइप ऑफ एस्प्रिंग लेते हैं, ऑफ एस्प्रिंग में कौन कौन जीनोटाइप होगा वो लिखेंगे, उसके बाद कौन सा पॉसिबल होगा, ब्लड टाइप्स ऑफ एस्प्रिंग पॉसिबल, कौन सा ब्लड ग्रुप ऑफ एस्प्रिंग में पॉसिबल होगा और कौन ब्लड टाइप जो होगा इम्पॉसिबल होगा, ब्लड टाइप्स ऑफ एस्प्रिंग इम्पॉसिबल। तो देखिए यहाँ पर समझने का है, क्या लिखे, फादर, इसमें फादर का ब्लड ग्रुप लिखेंगे, इसमें मदर का ब्लड ग्रुप लिखेंगे, और दोनों का जो जीनोटाइप होगा इसमें जीनोटाइप लिखेंगे ऑफ एस्प्रिंग में, कि ऑफ एस्प्रिंग में उसके संतान में जो कौन सा जीनोटाइप का होगा वो जीनोटाइप लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे इससे देख करके कि कौन सा ब्लड ग्रुप इसमें पॉसिबल है और कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है ऑफ एस्प्रिंग में, ये लिखेंगे। मतलब इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा बेटा है या नहीं है कि दूसरा के है, तो इससे पता चल जाएगा। देखिए अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, अब मदर का ब्लड ग्रुप भी ए है, ठीक, अब ये दोनों का जीनोटाइप लिखना है, तो जीनोटाइप लिखेंगे तो अब ये ना लिखे थे, क्या क्या लिखे थे, पहले इसका लिख लेते हैं फादर वाला, तो क्या लिखेंगे आई ए और आई ए, दोनों ब्लड ग्रुप नहीं लिखेंगे, इसका लिखे पूरा जीनोटाइप लिख रहे हैं, उससे पहले जो लिए थे उसको क्या लिए थे, पहले हम एलील ले रहे थे, अब इसका पूरा जीनोटाइप लिख रहे हैं, इसका भी लिखे, अब क्या लिख रहे हैं, अब मदर का भी लिख रहे हैं आई ए और आई ए, दोनों का लिखे। अब देखिए और एक तरह से हम लिख सकते हैं, किस तरह से, जिसमें क्या होगा आई ओ जो होगा रिसेसिव होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई ए आई ओ या आई ए आई ओ, एक तो लिखे इसका और एक लिखे किसका, इसका, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब ब्लड टाइप इसमें से निकालिए, तो देखिए इसको निकालने के लिए अब आपको अलग अलग से क्रॉस कराना पड़ेगा, कैसे क्रॉस कराना पड़ेगा तो यहाँ पर समझिए, अब आई ए और आई ए एगो एलील, कैसे हम टॉल टॉल लिखते थे, कैपिटल टी लिखते थे ना, उसी तरह से लिखे, ये हो गया मान लीजिए फादर का, अब मदर का क्या है, मदर का भी यही है आई ए आई ए, अब क्या करेंगे दोनों में से गैमेट निकालेंगे, तो एक गो ने निकालेंगे आई ए और इससे भी निकालेंगे आई, अब दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्या आया आई ए और आई ए आया, इसका मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप आया, ब्लड ग्रुप ए आया ना जी। तो इससे पहले जो हम लोग लिख रहे थे केवल इसका गैमेट यहाँ से निकाल करके डायरेक्ट हम लिख रहे थे, लेकिन अभी जो आपको बनाना है इस तरह से बनाना है, तो आप गैमेट, अब मान लीजिए ये तो ए का केस हुआ, अब हम आई ए वाला केस लेते हैं, आई ए आई ओ ये फादर का है मान लीजिए और मदर का जो है यही है आई ए और आई ओ, अब इसमें गैमेट निकालेंगे नहीं निकालेंगे, अब इसमें चूंकि ये हेटरोजाइगस है गैमेट कितना आएगा, दो गो गैमेट इसमें आएगा, कौन कौन गैमेट आएगा, तो इसमें आएगा आई ए और आई ओ अलग, इसमें भी क्या आएगा आई ए और आई ओ अलग, तो इसको इससे कराइए और फिर इसको इससे कराइए, फिर इसको इससे और इसी को फिर इससे कराइए, अब इसको इससे कराएंगे तो क्या लिखेंगे आई ए लिखेंगे, इसको कराए किससे इससे, अब फिर इसको कराएंगे इससे तो क्या लिखेंगे आई ए और आई ओ लिखेंगे, इसको कराएं इससे, अब इसको करा रहे हैं इससे तो क्या लिखेंगे आई ए लिखे, अब इसको फिर कराएंगे इससे तो क्या लिखेंगे सॉरी इसको इससे करा रहे हैं तो आई ए और आई ओ दोनों ना लिखेंगे, अब इसको कराएंगे आई ओ को आई ओ से कराएंगे तो आई ओ और आई ओ लिखेंगे,
तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर तो ब्लड ग्रुप क्या ए ए है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप ए ए आएगा, और यहाँ आई ए आई ओ है, तो कौन डोमिनेंट क्या है, आई ए वाला है। यहाँ भी दोनों सेम है, आई ए वाला है, और इसमें भी आई ए क्या है डोमिनेंट है, और आई ओ क्या है रिसेसिव है, तो कौन ब्लड ग्रुप ए ए ब्लड ग्रुप आएगा, नहीं आएगा। और यहाँ आई ओ है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ भी आने का इसमें चांस है। किस में ब्लड टाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग जो पॉसिबल लिखे हैं इसमें ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन 75% चांस है, 75% चांस है क्या होने का, ब्लड ग्रुप ए होने का, और 25% चांस है किसका, ब्लड ग्रुप ओ होने का। मतलब ब्लड ग्रुप ओ कम संभावना है, हो सकता है, और ब्लड ग्रुप ए क्या है कन्फर्म है, मतलब 75% है। तो इसमें कौन कौन पॉसिबल आ गया, तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है और ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, और कौन इम्पॉसिबल है, तो चार तरह के ना ब्लड ग्रुप है, ए ए ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है और ओ है, जिसमें से ए और ओ पॉसिबल है तो कौन इम्पॉसिबल है, तो ब्लड ग्रुप बी और ए बी क्या है इम्पॉसिबल है। नहीं समझ में आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप चार तरह के होता है, तो इसमें दो तो आ गया पॉसिबल है ए और ओ, लेकिन ब्लड ग्रुप जो है कौन नहीं पॉसिबल है, तो बी और ए भी पॉसिबल नहीं है। तो अब समझिए, अब इसमें से अगर मान लीजिए ए ओ ब्लड ग्रुप नहीं आया और तुम और जो अगला संतान है उसमें बी ब्लड ग्रुप आ गया, तो इसका मतलब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ क्या है काला है, मतलब कुछ गड़बड़ है, तब ना ब्लड ग्रुप उसमें बी आ गया। होना क्या चाहिए, होना चाहिए ए और ओ, लेकिन अगर मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप है सब कुछ पेरेंट का, मदर का, फादर का ए, मदर का ए, इसमें आ गया मान लीजिए बी, इसका मतलब ये पेरेंट यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप वाला होगा, तब ना बी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ से, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इस पर ध्यान दीजिए, समझिए, फिर से एक और हम लेते हैं, यहाँ समझिए। ये ब्लड ग्रुप ए की कहानी था कि किस तरह से हम लोग इसमें समझेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप कहाँ पर आएगा, किस तरह से होगा। अब अगला समझिए, अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए ले रहे हैं ब्लड ग्रुप ए है फादर का और ओ है मदर का, ब्लड ग्रुप ए है फादर का और ओ है मदर का, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे तो आई ए लिखेंगे, और इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई ओ और आई ओ लिखेंगे। इसका तो कुछ अलग से होता नहीं कि आई ओ यही होगा, तो अब इसमें क्रॉस कराएंगे तो इसमें क्या क्या पॉसिबल होगा। फिर से आप समझिए, ए है ब्लड ग्रुप, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई ए लिखेंगे, इसका गैमिट निकालेंगे, क्या होगा, आई ए गैमिट आएगा, और मान लीजिए ब्लड ग्रुप ओ है तो इसको आई ओ लिखेंगे, इसका गैमिट क्या लिखेंगे, आई ओ लिखेंगे, दोनों में क्रॉस कराएंगे, आई ओ आएगा। अब यहाँ पर आई ओ आया, तो इसका मतलब यहाँ पर आई ए जो होगा ये क्या होगा डोमिनेंट है, तो और आई ओ क्या है रिसेसिव है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा ए होगा नहीं। और इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, आई ए और आई ओ भी तो लिख सकते हैं, और इसको इससे कराएंगे तब क्या होगा। अब मान लीजिए इसको यहाँ से कराए, यहाँ लिखे आई ओ तो ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मान लीजिए आई ए तो एगो गैमिट आया और एक गैमिट क्या आएगा आई ओ आएगा, अब यहाँ एगो है, इसको इससे कराएं, फिर इसको इससे कराएंगे, तो इसमें देखिए आई ए और आई ओ आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आई ओ और आई ओ भी आएगा, मतलब 50-50 चांस है आई ओ मतलब ब्लड ग्रुप ए होने का और ब्लड ग्रुप ओ होने का। तो इसमें कौन कौन होगा, तो इसमें होगा ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप होने का चांस है, कौन नहीं होने का चांस है, तो बी और ए बी ब्लड ग्रुप चांस नहीं है होने का। समझ में आ रहा है, एक और हम छोटा सा थोड़ा बता देते हैं। मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप अब लेते हैं, मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप लेते हैं, बी ब्लड ग्रुप तो समझ में आएगा, यहाँ भी मान लीजिए बी ए ले रहे हैं,
तो इसका मतलब सेम अब होगा आई बी और आई बी, या इसको हम दूसरा से भी लिख सकते हैं आई ओ या आई बी और आई ओ लिख सकते हैं। अब इसमें क्रॉस कराएंगे तो क्या क्या आने की संभावना है, तो इसी तरह से आप लोग क्रॉस कराइएगा, इसमें आने की संभावना है ब्लड ग्रुप बी और ओ, और क्या आने का संभावना नहीं है, ए और ए बी आने की संभावना नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर इसी तरह के, आप लोग क्या कीजिएगा, बना करके हमको यहाँ कमेंट कीजिएगा, कमेंट में कौन ब्लड ग्रुप पॉसिबल है या नहीं है कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। आगे यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप लिख दे रहे हैं, कुछ ब्लड ग्रुप का नाम, कुछ ब्लड ग्रुप हम दोनों में मदर और फादर में लिख दे रहे हैं। आपको जीनोटाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग लिखना है, उसके बाद ब्लड टाइप लिखना है, कौन पॉसिबल होगा ऑफ स्प्रिंग में और कौन पॉसिबल नहीं होगा, तीन चीज़ लिखना है। हम केवल पेरेंट फर्स्ट में ब्लड ग्रुप और पेरेंट सेकेंड में ब्लड ग्रुप लिख दे रहे हैं, और आगे आप लोग को लिखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर अब मान लीजिए, एकदम ज़रूरी कमेंट कीजिएगा, तब तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर तो हम इसको अच्छे से समझा पाएंगे। आगे चलिए इसमें देखिए, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप यहाँ ए ले रहे हैं पेरेंट फर्स्ट में, तो पेरेंट सेकेंड में मान लीजिए हम ए बी ब्लड ग्रुप लिए। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जीनोटाइप लिखना है कि किस तरह का जीनोटाइप होगा, उसके बाद कौन ब्लड ग्रुप पॉसिबल होगा ऑफ स्प्रिंग में ये लिखना है, और कौन पॉसिबल नहीं होगा ऑफ स्प्रिंग में वो लिखना है। तो हम केवल लिख दे रहे हैं ए है फादर का और मदर का है, बी है, ये लिख के आपको कमेंट करना है। उसके बाद फिर आगे है बी है ए बी ब्लड ग्रुप है, इस तरह से लिख रहे हैं। उसके बाद फिर मान लीजिए यहाँ ए बी है और मान लीजिए ए बी इसमें भी है, अब क्या होगा, तो सब के सब लिखना है ए बी है इसमें और इसमें ओ ब्लड ग्रुप है, अब इसका क्या होगा, या फिर ब्लड ग्रुप ओ फादर का भी है, ब्लड ग्रुप ओ मदर का भी है, अब इसमें लिखना है कि कौन सा पॉसिबल है और कौन नहीं पॉसिबल है और इसका जीनोटाइप कैसा होगा। सब के सब लिख के जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो समझ में आ जाएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए आज यहाँ तक हम रहने देते हैं, मतलब आज जो हम लोग पढ़े, आज हम लोग क्या सब पढ़े, आज हम लोग पढ़े मतलब एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ, मतलब मेंडल के नियम जो थे उनका अपवाद पढ़े, तीन तरह का अपवाद हम लोग समझे। एक पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, दूसरा था को डोमिनेंस और तीसरा था मल्टीपल एलील था। एक एक करके बारी बारी से हम लोग तीनों के बारे में समझे, उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आया होगा। और इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिख के कि कौन सा, पहले तो इसका जीनोटाइप लिखिएगा, उसके बाद फिर इसका ब्लड टाइप लिखिएगा ऑफ स्प्रिंग में कौन पॉसिबल है और उसके बाद इसका कौन पॉसिबल नहीं है ये लिखिएगा। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मतलब जो हम लोग का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था वो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस में, अब हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। तो ये तो कमेंट कीजिएगा ही कि समझ में आया या नहीं आया, किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा टाइप है, ये तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। आज रहने देते हैं यहीं तक, गुड डे, गुड बाय।